आज इस रिमझिम बारिश में हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से भरपूर फल के रूप में आपने निश्चित रूप से इसका सेवन किया होगा और आप जानते भी हैं। आज इसकी पहचान मैं आपको कराऊंगा औषधि के रूप में। यह पौधा है जो मेरे पास में है, इसको हम जानते हैं फाइकस कैरिका का यह पौधा, अंजीर के नाम से हम इसको जानते हैं। अंजीर सूखे मेवे के रूप में पूरे देश में प्रयोग किया जाता है और लोग इसको भिगो करके भी सेवन करते हैं। तो अंजीर खाद्य के रूप में, एक मेवे के रूप में तो हमारे देश में प्रयोग किया जाता है, विदेशों में भी पूरे विश्व के अंदर इसका प्रयोग होता है। परंतु इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को पता था। यह प्राचीन काल के जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो इसको जो अंजीर है, अंजीर विशेष करके शक्तिवर्धक है, पौष्टिक है। जो बहुत कमज़ोर हैं, जो दुबले हैं, जिनको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, उन सब के लिए यह अंजीर बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आपको 3-4 अंजीर को रात को भिगो देना है पानी में। सुबह उस अंजीर को धीरे धीरे आप चबा करके, क्योंकि सूखा हुआ जो अंजीर है वो बाज़ार में मिल जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के अंदर अंजीर लगे हुए हैं और ये पक भी रहे हैं। यह इसके अंदर यह कुछ कच्चे हैं और आप देखेंगे यह अंजीर का पका हुआ फल भी है। शिवखेड़ा गांव है इधर पुणे के पास में, वहाँ पर या महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी किसान भाई इस अंजीर को उगाते भी हैं और देश में विभिन्न क्षेत्रों में भी यह उगाया जाता है। पर बाकी ताज़ा अंजीर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस फल को भिगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना भिगाए प्रातःकाल नाश्ते के अंदर अंकुरित अन्न हो या फल हो, उसके साथ यदि 2-3 अंजीर हो तो कहना ही क्या। तो ये आपकी पौष्टिकता को बढ़ाएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही लाभकारी चीज़ है यह अंजीर। और यदि आपके पास ताज़ा अंजीर नहीं है तो बाज़ार के अंदर सूखा हुआ अंजीर का फल पंसारी के यहाँ से, या आप राशन की दुकान से, या जहाँ भी जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं जहाँ मिलती हैं, वहाँ से अंजीर के नाम पर आप सूखा हुआ अंजीर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो 3-4 अंजीर को लेकर के रात को भिगो करके, यदि प्रातःकाल चबा चबा करके उसको खाएं, तो उससे आपकी जो कमज़ोरी है, चाहे वह किसी भी तरह की कोई भी कमज़ोरी है, वह दूर हो जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षीणता है, किसी तरह से स्नायविक दुर्बलता है या बहुत ही यौन दुर्बलता है, उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। ऐसे लोग 3-4 अंजीर को रात को दूध में डाल करके, इसको धीरे धीरे पका करके, तो दूध में अंजीर को पका करके भी खा सकते हैं। तो इससे जो किसी भी तरह के, चाहे वो नर्वसनेस की प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, जिनको बीपी लो रहता हो, जिन लोगों की हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, जो बहुत घबराहट महसूस करते हों, और या जिनको किसी भी तरह से शिथिलता थकान महसूस करते हों, उन सब के लिए यह बहुत ही कारगर और बहुत ही गुणकारी और उपकारी प्रयोग है यह अंजीर। और अंजीर का प्रयोग पेट के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। हालांकि यूनानी में इसको प्रथम दर्जे का गर्म माना गया है और आयुर्वेद के अंदर इसके फल को शीतल माना गया है। हमने प्रयोग के आधार पर ऐसा हमें महसूस होता है कि यदि आप इसको सूखा ही प्रयोग करते हैं, बिना पानी में भिगोए प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी सी गर्मी इसका जो तासीर है वो प्रतीत होता है। और यदि आप इसको भिगो करके प्रयोग करते हैं, 4-5 घंटे के बाद सूखा हुआ अंजीर भी खिल जाता है और बहुत फ्रेश हो जाता है। तो उस समय पर आप इसका प्रयोग करते हैं तो वह शीतलता पैदा करता है। तो लीवर के रोगियों के लिए, जो पेशेंट एनीमिक है, जिनको हीमोग्लोबिन कम है, उन लोगों के लिए भी यह अंजीर बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। आपका पाचन बहुत ही कमज़ोर हो गया है, खाया हुआ आप हजम नहीं कर पाते हैं, ऐसे कमज़ोर रोगियों को भी, क्योंकि अंजीर मीठा होता है, इसीलिए मधुमेह के रोगियों को हालांकि नहीं देना चाहिए, या कभी कभी कम मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि
दूसरे तरह के जो मिष्ठान हैं या जो मीठे फल हैं उतना यह मीठा नहीं होता है, इसीलिए उतनी हानि तो नहीं करेगा, परंतु फिर भी मधुमेह के रोगियों को मीठे फल मीठी चीज़ें नहीं सेवन करने चाहिए। तो बाकी लीवर की परेशानी के लिए भी आप अंजीर का यदि आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट भी इससे साफ होने लगेगा। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है या इस तरह की जो भी आपकी समस्या है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आपकी लीवर के लिए भी यह अंजीर बहुत ही उपयुक्त है। तो ये तो हमने जाना अंजीर के इस फल के विषय में। सामान्यतया यह जो फल है वही आयुर्वेद में प्रयोग होता है, और यदि इसका काढ़ा बना करके ये सूखे अंजीर का काढ़ा बना करके पीते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और खांसी को समापन करने वाला काढ़ा तैयार हो जाता है। ये ज़्यादा गर्म ना होते हुए भी यदि सूखा हुआ अंजीर, एक अंजीर, थोड़ी सी मुलेठी और दो चार पत्तियाँ तुलसी की, इसको डाल करके आप काढ़ा बना करके दे दें तो आप देखेंगे एक तो स्वादिष्ट पेय जैसा लगता है, और दूसरी बात जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इसका सेवन करा सकते हैं। तो चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हों, चाहे वृद्ध हों, सभी लोगों के लिए खांसी के लिए रोग की स्थिति, आपकी आयु, उस हिसाब से इसकी मात्रा का निर्धारण आप कर सकते हैं। तो यह जो अंजीर है यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है आपकी खांसी के रोगों के लिए। और जिनको श्वास चढ़ता हो, जो श्वास की औषधियाँ ले रहे हों, वो लोग भी इस अंजीर का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि श्वास रोगों में बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो उपकारी नहीं होती हैं। तो अंजीर, कई लोग पूछते हैं कि श्वास के रोग में हम क्या फल खाएँ, क्या ड्राई फ्रूट लें, या हार्ट की प्रॉब्लम में क्या ले लें, लीवर खराब होने पर क्या ले लें। जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ते हैं, ये गरिष्ठ होते हैं, ये भारी होते हैं। जिनका लीवर ख़राब हो, जिनका लीवर कमज़ोर हो, जिनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो, उन लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, बादाम से, काजू से, पर वो सभी लोग बड़े निर्भयतापूर्ण ढंग से इस अंजीर का सेवन कर सकते हैं। तो यह एक दिव्य, गुणकारी और लाभकारी फल है। किसी के पैरों में सूजन आ गई हो, दर्द हो, उस स्थिति में भी ये अंजीर के यदि आप पत्तों को थोड़ा गर्म कर करके यदि उस जगह पर बांधें तो उससे उसमें शांति मिलती है, बहुत ही लाभकारी है। और जिन माताओं बहनों को जैसे जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं या मासिक धर्म की अनियमितता होती है, यदि जहाँ पर ये अंजीर के पेड़ होते हैं तो ये इस अंजीर के कच्चे फलों को तोड़ करके यदि कच्चे फल या उसकी जो जड़ है उसके अंदर जैसे 4-5 ग्राम जड़ और 1-2 ग्राम फल, इसको उबाल करके यदि आप पीते हैं तो उससे मासिक धर्म भी नियमित होने लगता है। उसके लिए अच्छा है कि 10 मूल क्वाथ बना बनाया वह हमारे औषधालय में भी, हमारे सेवा केंद्रों पर भी हम बनाते हैं, दूसरे आयुर्वेद की फार्मेसियाँ भी बनाती हैं। तो 10 मूल काढ़े के अंदर थोड़ा सा अंजीर के यदि जड़ मिल डाल दिया जाए, और सूखा हुआ अंजीर हो, चाहे आप पके हुए अंजीर को भी डाल करके, 1-2 अंजीर डाल करके उबाल करके पिए, इससे एक तो काढ़ा स्वादिष्ट लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और दूसरा इससे जो लाभ होगा वो जो आपके पीरियड्स की समस्या है, जो महामारी की जो समस्या है, उसमें इससे तुरंत लाभ होगा। दूसरा जो लाभ होगा वो उससे होने वाली जो कमजोरी है, जो हमारी माताएं बहनें कमज़ोर हैं, पेड़ों में दर्द रहता है, लिकोरिया की शिकायत है, या उनको पीरियड कभी आगे पीछे होता रहता है, उन सभी के लिए ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। 10 मूल काढ़ा के अंदर, जैसे 10 मूल काढ़ा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, 10 मूल काढ़ा की जो मात्रा है लगभग एक व्यक्ति एक समय पर, यानी लगभग 10 ग्राम काढ़े के अंदर आप 2-3 अंजीर डाल दें। यदि इसकी छाल मिल जाए तो 2-3 ग्राम जड़ की छाल भी डालें, नहीं तो सूखा हुआ फल पंसारी के यहाँ आराम से उपलब्ध होगा, वो ला करके आप 2-3 फल को, सूखे फल को उस काढ़े में एक समय की मात्रा में उसको पकाएं, बाद में उसको अच्छी तरह से मसलें और इसको छान करके पिएं, फिर आप देखेंगे कितना लाभ आपको होगा। मेरी माताएं, हमारी बहनें निश्चित रूप से आपको जो आपका जो कष्ट है, आपकी जो परेशानी है, उससे आपको पता भी न चलेगा कि कितनी जल्दी आपको मुक्ति मिल गई। तो ये मासिक प्रॉब्लम्स के लिए भी, लेडीज प्रॉब्लम्स के लिए भी, जिन पुरुषों को धातु रोग है, आजकल जिस गली में जाओ उसी गली पर सेक्सोलॉजिस्ट और सेक्स टॉनिक बेचते हुए लोग दिखाई देते हैं। और लोग भी ऐसे हैं कि आज हर कोई शेरे बब्बर बनना चाहता है, वह हाथी जैसा बल चाहता है, संयमित जीवन और सदाचार नहीं चाहता है। तो यदि थोड़े से जीवन के अंदर संयम हो, थोड़ा सा सदाचार हो,
थोड़े से आपके भावनाओं में प्यार हो तो निश्चित रूप से यह अंजीर फल आपके लिए बहुत ही गुणकारी है। तो आपके जो धातु रोग है, जिनको प्रमेह है, इस तरह की जितने भी शिकायत है, उन सब रोगी लोग अंजीर को दूध में डाल करके पका करके खा सकते हैं। रात को भिगो करके सुबह यदि 3-4 अंजीर आप प्रतिदिन सेवन करें तो यह अंजीर पौधा आपके लिए सिर्फ एक ड्राई फ्रूट का नहीं अभी तो एक दिव्य औषधि का कार्य करेगा। आपको रोग से मुक्त करने के लिए यह बहुत ही सहयोग करेगा।